नमस्ते मित्र, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले भी नंबर चार के बारे में बात करी है। नंबर चार जब भी आता है वो हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक तरह की स्टेडीनेस हमारे लाइफ में लेके आता है। हमने फोर ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बात करी, जो कि एक पीरियड है जिसके अंदर जो है आप एक स्पिरिचुअलिटी से गुजरते हैं, एक आप हीलिंग से गुजरते हैं। हमने बात करी फोर ऑफ कप्स की, जिसके अंदर आप इमोशन की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, वहाँ पे उस फ्रंट में कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट शो करता है। हमने फोर ऑफ कॉइन्स की बात करी, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, जहाँ पे मनी की कोई कमी नहीं है। आज जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर ऑफ वॉन्ट्स की। तो सबसे पहले तो मैं एक थैंक यू कहना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि उनके कारण जो है मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, एक पुश मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग मी एंड लेटिंग मी नो योर व्यूज़। आइए देखते हैं, जानते हैं व्हाट इज़ फोर ऑफ वॉन्ट्स। फोर ऑफ वॉन्ट्स में जाने से पहले फोर ऑफ वॉन्ट्स के कीवर्ड्स देखेंगे। फोर ऑफ वॉन्ट्स के कीवर्ड्स होंगे सेलिब्रेशन, हार्मनी, मैरिज, होम एंड कम्युनिटी। तो अगर हम इसके पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं, हम देखते हैं दो फिगर्स जो कि अपने हाथ में जो है फूलों को लेके जो है सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। दिस कुड बी लाइक अ मेल एंड फीमेल फिगर, अ काइंड ऑफ यू नो फैमिली इज शोन हियर। पीछे हम देखते हैं कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, पीछे उस इन लोगों के पीछे एक कैसल है। और एक और चीज़ आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो देर इज़ ऑल्सो ब्रिज विच इज़ देयर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड दिस ब्रिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कार्ड, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सो दिस कार्ड इज़ गॉड्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स लविंग मर्सी एंड काइंडनेस। इसके अंदर हम देखते हैं देर इज़ अ पीरियड विच इज़ शोन, अ वेरी पॉजिटिव पीरियड इज शोन वेयर अ सेलिब्रेशन इज़ हैपनिंग। एक तरह की कंटेंटमेंट है, एक तरह की सेटिस्फैक्शन है। हम देखते हैं यहाँ पे दो फिगर्स जो कि डांस करती हुई दिखती हैं, एंजॉय करती हुई दिखती हैं। सो देर इज़ अ काइंड ऑफ अ कंटेंटमेंट विच इज़ शोन हियर। दैट ऑल्सो मीन्स देर इज़ अबंडेंस विच इज़ शोन इन दिस कार्ड। इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक फेस्टिवल की तरह है जो कि हम देख पा रहे हैं। ये फेस्टिवल जो है हमें एक जूस फेस्टिवल के बारे में बताता है, जिसका नाम सुखोत है। और सुखोत में अक्सर जो है लोग ओपन में जो है मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और वहीं सोते हैं, और अपने आप को जो है वो ऊपर कोई किसी तरह की छत नहीं लगाते। सो सुखोत एक ऐसा फेस्टिवल है जो आपको कहीं ना कहीं रिमाइंड कराता है टू गेट बैक टू योर ओन सेल्फ, टू गेट बैक टू नेचर, कि व्हाट एक्चुअली व्हाट योर रियल फॉर्म इज़। और आपको वो मौका देता है अपने आप से जुड़ने का, और वो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है हमारा कि दैट वी ट्रस्ट इन गॉड। तो ओवरऑल कार्ड का मीनिंग देखें तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स पॉजिटिव, इट्स स्टेबल। पीछे जो कैसल है वो हमें ये सिग्निफाई करता है दैट देर इज अबंडेंस विच इज़ देयर, दैट यू हैव बिल्ड अ हाउस फॉर योर ओन सेल्फ, दैट यू हैव बिल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर योर सेल्फ। और वो जो हम पीछे जो लोग देखते हैं, वो पीछे जो लोग हैं वो हमें यही बताते हैं कि दैट देर आर फ्रेंड्स एंड फैमिली विच आर अराउंड विच आर सपोर्टिंग यू, विच आर हेल्पिंग यू। टैरो में बहुत सारे कहीं ना कहीं छुपे छुपे आपको जो है डायमंड दिखेंगे। अगर आपके पास आँख है तो आप देख पाएंगे कि इट हाउ सिग्निफिकेंट दे आर। तो अब इस ब्रिज को जब हम देखते हैं, इस ब्रिज को जो है जब आप देखते हैं तो आपको क्या ध्यान में आता है, कौन सा कार्ड आप जो है सोच सकते हैं इसको लेके? मैं आपको बताता हूँ, फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स में हम एक आदमी को देखते हैं कि जो कि निराश है, जो कि दुखी है, और जो कि अपने पास्ट के जो रिलेशनशिप है या फिर जो घटनाओं से वो जो गुजरा है उसमें वो टूट रखा है, और वो एक संताप के पीरियड से, एक बहुत ही ग्रीफ के पीरियड से वो गुजर रहा है। अब इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो देर इज़ दिस ब्रिज, जो कि एक सिम्बॉलिज्म है कि अगर ये आदमी जो है अपनी ग्रीफ से बाहर आ जाता है, अपनी जो है उसकी अगर हीलिंग हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज ही इज़ गोइंग टू गो ऑन टू द ब्रिज टू द अदर साइड। ये ब्रिज पे जाना, ब्रिज के दूसरी तरफ जाना, इट्स अ बिगनिंग ऑफ हिज न्यू लाइफ, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो फाइव ऑफ कप्स में जो आदमी था, ही हैज़ एक्चुअली हील्ड हिमसेल्फ एंड ही हैज़ फाइनली कम टू फोर ऑफ वॉन्ट्स। उसने जो है वो ब्रिज क्रॉस करा, और वो ब्रिज क्रॉस करके ही हैज़ फाइनली कम टू फोर ऑफ वॉन्ट्स। तो जैसे कि मैंने पहले बात करी कि कुछ भी आप टैरो में देखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं है, उसका एक डीपर मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, जिसको हमें देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए,
जिससे हमारी रीडिंग जो है और अच्छे से आप रीड कर पाएंगे और आप उसमें गहरी डुबकी मार पाएंगे। तो फोर ऑफ वॉन्ट्स जो है इसमें हमें मोटा मोटा हमारे को जो मीनिंग जो समझ में आता है, इट्स अ टाइम ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट्स अ टाइम ऑफ कंटेंटमेंट, इट्स अ गुड पॉजिटिव टाइम विच एवरी वन वेट्स फॉर। या फिर कुछ ऐसा कहिए कि एक आप स्ट्रगल से गुजरे हैं, एक आपने मेहनत करी है और आप बहुत जो है धक्के खा के एक ऐसी स्थिति पे पहुँचे जहाँ पे अब लाइफ जो है आपको रिवॉर्ड कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपके साथ है। दिस इज़ व्हाट द फोर ऑफ वॉन्ट्स इज ऑल अबाउट। और ये जो हम लोगों को देखते हैं उसका एक और सिम्बॉलिज्म हो सकता है कि दैट दिस इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। जो रिलेशनशिप जो हील नहीं है, जो जिन रिलेशनशिप्स के साथ आपकी जो है, जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, ये कार्ड आपको जो है मैसेज देता है, आपको बताता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कनेक्ट विद दीज पीपल। जिनके साथ भी जो आपके भीतर जो है आपके अंदर ग्रजेस हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम टू रिजॉल्व देम। क्योंकि जब भी आपके भीतर ग्रजेस रहेंगे आप जो है कहीं ना कहीं लाइफ में अटके रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में कि आप एक व्यक्ति को प्रेम कर सकें और एक से घृणा करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर एक को प्रेम करेंगे तो दूसरे को भी प्रेम करना ही पड़ेगा। अगर एक से घृणा करेंगे तो दूसरे के जो प्रेम आप दिखता है वो प्रेम असली नहीं हो सकता। सो समवेयर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज यू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ एवरीथिंग, एंड वंस योर लाइफ इज़ पॉजिटिव देन हूएवर यू कनेक्ट विद इट बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके लिए ऑलमोस्ट एनिमीज जो हैं डिसअपेयर हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि नेगेटिविटी ऑलमोस्ट लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि सारी बात है आपकी पॉजिटिव होने की। अगर आप भीतर से पॉजिटिव हैं तो सब कुछ पॉजिटिव आपको दिखता है, लेकिन अगर आप भीतर से नेगेटिव हैं तो आपको बाहर भी सब कुछ नेगेटिव ही दिखेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस वीडियो में, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं उसके अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, कि आप रिवर्स कार्ड के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। बहुत लोग जो हैं बोलते हैं कि आप रिवर्स कार्ड के बारे में बोलिए, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि रिवर्स कार्ड इज़ नॉट समथिंग यू नो जो कि इसका टोटली इसका ऑपोजिट होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट यू नो व्हाट एक्चुअली द रिवर्स कार्ड मीनिंग इज़। जो आपको समझने की इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जब भी आप एक कार्ड का जो है एक मीनिंग समझते हैं, उसका एसेंस समझ लेते हैं, तो जब रिवर्स कार्ड जब आएगा, इट्स नॉट रियली ब्लैक एंड वाइट कि आप जो है उसका मीनिंग जो है डायरेक्टली उसको बता सके। द मीनिंग ऑफ द रिवर्स कार्ड विल बी डिसाइडेड इन दैट वेरी स्पॉन्टेनिटी। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि रिवर्स कार्ड की जो है, जब तक कि आप कॉन्फिडेंस ना फील करें अपने भीतर, तो ट्राई नॉट टू डू द रिवर्स कार्ड। अभी आप जो है अपराइट ही इसको जो है कार्ड्स को पढ़िए। रिवर्स कार्ड पढ़ना अच्छे हैं, लेकिन अनलेस एंड अंटिल यू फील confident about your own self, I will suggest you not to do it yet. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं reverse card के बारे में एकदम से बोल दूँ। Probably a time will come when I will speak about the reverse cards also. तो अभी के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो reverse cards हैं, अगर आप card की deeper meaning को समझते हैं तो ये the card is going to speak to you what the reverse meaning also is. तो जब आप reading कर रहे हैं किसी की और आपके आपको जो है एक reverse card आ रहा है, तो उस वक्त जो है listen to yourself, listen to your intuition, listen to that very moment what the card is trying to tell you, ye aapko kya message dena cha raha hai. So this was my reading for you for four of wands. Aur ek quote jo ki four of wands ke upar bahut acha baithta hai, quote kuch is tarah se hai: contentment is not the fulfillment of what you want but the realization of how much you already have. तो आप देखते हैं कितना beautiful quote है. Quote simply जो है हमें ये बोलता है, important ये है कि आपके पास कितना कुछ है ऑलरेडी, लाइफ ने कितना कुछ आपको दिया है, कि अगर हम उसको देख सकें, अगर हम उसको महसूस कर सकें, तो आपके भीतर कभी भी कंप्लेन नहीं रहेगी। आपके भीतर हमेशा एक कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन रहेगी, क्योंकि आप ये देख सकेंगे कि लाइफ ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे से आपकी नरिशमेंट की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।